आज की जेनरेशन ज्यादातर स्मार्टफोन और फैंसी कार्स जैसे कूल गैजेट के लिए जाना जाता है, लेकिन हम वास्तव में कुछ देश और उनके स्पेशल गैजेट के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। जापान को अपने विभिन्न क्रिएटिव और सुविधाजनक आविष्कारों के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा मिली है। आइए आज हम जापान के सबसे अधिक प्रतिभाशाली आविष्कारों के बारे में जाने जो केवल जापान में है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एलिवेटर पार्किंग। जापान जैसी भारी आबादी वाले देश में आप स्पेस सेविंग टेक्निक की बात करते समय कुछ जीनियस इनोवेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पार्किंग लॉट और विशाल पार्किंग गैरेज बहुत अधिक जगह लेते हैं। ये एक कार लिफ्ट है जो कारों को एक सिलो में स्टोर करती है और जरूरत पड़ने से इसे ऊपर और नीचे लिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 9, मूवेबल ट्रेन सीट। यदि आप ट्रेन पर बैठे हैं और अजीब महसूस करते हैं और आपकी पीठ उस दिशा का सामना कर रही है जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं, जापान में इन ट्रेनों की सीट जो आपको घूमने के लिए बनाया गया है, आप अपनी सीटों की चारों ओर घूम सकते हैं और अपने पीछे की रो में बैठे अपने दोस्तों का सामना कर सकते हैं। मुझे लगता है भारत की हर ट्रेन में इन सीटों को स्थापित करना चाहिए। नंबर 8, कैप्सूल मोटेल्स। जापान के सबसे बड़े शहरों के घने शहरी क्षेत्रों में स्पेस एक गंभीर समस्या है। छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट और बड़ा होटल जापान में काफी महंगा हो सकता है। यही कारण है कि वे एक कैप्सूल होटल के सुपर उपयोगी और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। अगर आपको वास्तव में रात के लिए सोने की जगह चाहिए, ये मॉड्यूलर कमरे आपके लिए है। एक कैप्सूल आपके लिए पर्याप्त कमरे और एक छोटा हैंडबैग के साथ आता है। कई अन्य सामान या पर्सनल आइटम एक बड़े स्टोरेज रूम में रखा जाएगा और आपके ठहरने के लिए एक पर्सनल लॉकर रखा जाएगा। नंबर 7, ऑटोमेटिक टैक्सी डोर। जापान आने में इतना कुशल है कि आपको अपनी टैक्सी के लिए दरवाजा खोलना भी नहीं है। कई टैक्सी कैब्स ऑटोमेटिकली मशीन के साथ अपना दरवाजा खोलेंगे और कई कैब्स कंपनी एक और शानदार अनुभव सेवा प्रदान करती है जब ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए बाहर आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब आप टैक्सी का सामना करते हैं तो आपको अपने दरवाजे को कभी भी खोलना नहीं पड़ता है। नंबर 6, कोटात्सु टेबल। फर्नीचर का यह आइकॉनिक पीस मूल रूप से एक लो वुडन टेबल है जो एक टेबल टॉप के साथ हेवी फुटोन द्वारा कवर किया जाता है। एक छोटा हीटर भी है जिसे कोयला द्वारा ईंधन दिया जाता है, आमतौर पर एक छोटे इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा रिप्लेस्ड किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में मुरुमुची युग से हुई है। वे कई कारणों से फैशन में आए हैं। एक ये है कि जापान में घरों को वेस्टर्न बिल्डिंग के रूप में भी रिप्लेस्ड किया जाता है क्योंकि गर्म रहना उतना आसान नहीं है। कोटात्सु को पारंपरिक जापानी कपड़ों के साथ डिजाइन किया गया था जहां गर्म कपड़े या किमोनो के नीचे प्रवेश करती है और पूरे शरीर को गर्म करने के लिए उभरती है। नंबर 5, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट्स। जापान में बारिश का लगभग पूरा मौसम होता है, इसीलिए समझ में आता है कि पब्लिक प्लेस के बाहर हर नागरिक के पास कम से कम एक छतरी होता है। आपको इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट भी मिल सकती है। एक बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले अपने गीले छतरी को स्टोर करने के लिए ये एक पार्किंग लॉट है। नंबर 4, ऑटोमेटेड स्टोर्स। आप शायद जापान में वेंडिंग मशीन्स की लोकप्रियता से परिचित है, लेकिन लगभग पूरे स्टोर पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। आप वेंडिंग मशीन पा सकते हैं जो ड्रिंक्स, स्नैक्स, हॉट मील्स और अंडरवेयर भी बेचते हैं। कुछ स्टोर सिर्फ कैप्सूल मशीन है और यहां तक कि रेस्टोरेंट आपको अपने भोजन के ऑर्डर देने के लिए वेंडिंग मशीन से टोकन खरीद देते हैं। स्पा ऑन ट्रेन्स। 2014 में जापान ने पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च की जो टोरियो नामक ऑन बोर्ड फूड स्पा है। प्रत्येक यात्री को लग्जरी फूड स्पा 15 मिनट की अनुमति है जो आपके पैरों के साथ आराम करते हुए एक बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव होना चाहिए। आप खिड़कियों का सामना करेंगे ताकि आप बाहर के सीनरी को देख सके। कल्पना कीजिए कि अपने पैरों को मालिश करते समय ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। नंबर 2, मोटरसाइकिल हेलमेट फॉर फीमेल्स। यदि आप फीमेल है तो हेलमेट डालना एक कष्टप्रद प्रक्रिया हो सकती है, खासकर यदि आपके पास चोटी है। खैर, जापान में कुछ ऐसा हुआ है जो आपके सिर से बालों को उड़ा देगा। सचमुच जापान में बाइक की सवारी करने वाली महिलाएं विशेष रूप से उनके लिए बने हेलमेट खरीद सकती है जो पीछे की ओर एक छेद के साथ आती है जो एक चोटी को इसके माध्यम से धकलने में सक्षम बनाती है। नंबर 1, ऑटोमेटेड होटल्स। कल्पना करें कि जब आप होटल में जाते हैं और रिसेप्शन डेस्क पर डायनासोर आपको बधाई देता है। खैर,
जापान में ऐसा ही है। देश के कई होटलों ने रियल लाइफ पर्सन को पूरी तरह से हटा दिया है, जो पहली बार होटल में चेक इन करते समय आपको धन्यवाद देता है। कुछ के लिए ये एक राहत हो सकती है, क्योंकि ये किसी अन्य इंसान से बात करने की आवश्यकता को घटा देती है, लेकिन दूसरों के लिए ये थोड़ा अजीब हो सकती है। फिर भी किसी भी तरह से डेस्क के पीछे एक डायनासोर देखने के लिए एक आकर्षक होगी।